अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास सिक्स इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं गुलिवर एमंग द लिटिल पीपल। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये कहते हैं गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल एलोन ऑन द आइसलैंड। जब ये जहाज़ टकर गया, टूट गया, तो तमाम इसके जो सेलर थे वो डूब गए और इसमें एक ही बंदा था गुलिवर जो बच कर निकल गया सी शोर पर। ये कहते हैं गुलिवर ने अपने आप को एक जजीरे में पाया। He left the seashore and walked for some time across open field. और ये गुलिवर जो था ये सी शोर से उठा, वहाँ से चल पड़ा एक ओपन फील्ड की तरफ। Then he laid down on the soft grass. और ये वहाँ घास की जिनके मैदानी जो थी, कोई मैदान होता तो वहाँ पर लेट गया। He was very tired. वो बहुत थका हुआ था and soon fell asleep. और सो गया। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरी सुबह जब ये जागा, ही वांटेड टू गेट अप। उसने उठने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट मूव हिज आर्म्स और लेग। लेकिन वो अपने बाजुओं को और अपनी टांगों को हिला नहीं सका। क्यों नहीं हिला सका? बिकॉज दे वेर टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। क्योंकि वो छोटे छोटे धागों के साथ बांधा हुआ था, उसकी टांगें और उसके बाजू बांधे गए थे।